जान के किस रोजा करना चाहती हूँ, मैं आदिल से घर बसाना चाहती हूँ, मैं आदिल के साथ उमरा जाना चाहती हूँ। वो मेरा शोहर है, मेरे शोहर के बीच में, मेरे घर के बीच में कोई लड़की ना मेरा घर तबाह करने की कोशिश ना करे। तुम आदिल मुझे छोड़ के जाओगे तो जाओगे, तुम्हारा भी घर कभी बस नहीं पाएगा। याद रखना, आदिल मेरा लॉयल नहीं मेरे साथ तो किसी के साथ नहीं रहेगा। हाँ, मैं मीडिया के सामने कह रही हूँ, क्योंकि यही लोग मुझे न्याय दिलाएंगे, यही मेरी आवाम, मेरे फैंस मेरा घर बसाएंगे। आज मुझे रास्ते पे उतरना पड़ रहा। कहता है आदिल तुम मेरी भगवान हो, मेरी खुदा के बाद। मैं नहीं हूँ, मैं मिट्टी हूँ। तुम कोहिनूर हीरा छोड़ के कचरे के पास गए हो, क्या कमी की तुमको मैंने, पूरे देश में फेमस कर दिया। सलमान भाई, शाहरुख भाई, सारे सेलिब्रिटी, रणवीर से मिला दिया, क्या कमी की आदिल मैंने तुम्हें। तुमने मुझे क्या दिया इस आंसुओं के अलावा, क्या दिया आदिल? बस सॉरी, मैं बोल चुकी हूँ। मैं एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ। जी बोलिए। आज मुझे ये रुक जा रहा। क्या गुनाह किया मैंने? बोलो। मेरी माँ पे काल हुआ तो बुरा हाल में, और मुझे धोखा मिल रहा। रुक जा रुक जा। मैं सिर्फ घर बसाना चाहती हूँ, सिर्फ मैं बीवी माँ बनना चाहती हूँ। मुझे सड़क पे आना पड़ रहा है, हम भी साथ में आपसे। मुझे मेरे जो फैंस उसके वहाँ पे जो कहते हैं ना उसे, ये राखी के नाटक है, नाटक नहीं, दर्द है, मेरा दर्द लेके एक बार राखी सावंत की जिंदगी जी के देखो, एक बार राखी सावंत की जिंदगी जी के देखो। जिस दिन माँ को दफना रही हूँ, उस दिन छोड़िए, नहीं मेरा ओके। राखी 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 कुछ क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के लिए जिम चेंज कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ अब आदिल किसी मीडिया वीडिया में आए, बस हो गया। अभी उसे कोई पब्लिसिटी मुझे नहीं देनी है, उसने बहुत मेरा एकदम सीढ़ी की तरह मेरा इस्तेमाल किया, बस अब नहीं। मैं उसकी बीवी बनना चाहती हूँ, सीढ़ी नहीं बनना चाहती हूँ कि कोई मेरा इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाए। क्या ले लोगे मेरा इस्तेमाल करके? ऑस्कर अवार्ड ले लोगे, फिल्मफेयर अवार्ड ले लोगे, सारे अवार्ड ले लोगे? कौन से अवार्ड ले लोगे आदिल, कौन से अवार्ड ले लोगे? बोलो बोलो, क्या बोल रहे? बोलिए। मैं डिप्रेशन में हूँ, इसलिए मैं अभी आज जिम आई। घर में रहूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा मुझसे। जी बोलिए, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आप कुछ अभी आदिल आए थे, क्या जवाब दिया? शादी को लेकर बोल रहे थे। क्या बोला था? शादी आदिल ने क्या बोला? आदिल ने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो बोले कि हमारा थोड़ा बहुत छोटा मोटा झगड़ा हुआ। नहीं, अब मेरी माँ रही नहीं तो अब मुझे कुछ खोने का डर नहीं है। मैं उस लड़की को वार्निंग देना चाहती हूँ मीडिया के द्वारा। जब मैं बिग बॉस मराठी में थी 1.5 महीना, बहुत फायदा उठाया तुमने, नाम नहीं बताऊंगी, वक्त आने पर फोटो वीडियो सब कुछ बताऊंगी। इसीलिए आदिल, आपने 8 महीने की शादी मेरी खामोश रखवाई ये अफेयर्स करने के लिए। कहते हैं तुम मेरी भगवान हो, मेरा खुदा हो, अल्लाह के बाद तुम हो। नहीं, मुझे खुदा अल्लाह से कंपेयर मत करो, मैं एक मिट्टी हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगी। मुझे एक बीवी बनना है, बच्चों की माँ बनना है, मैं एक इंसान बनना चाहती हूँ। आप समझ रहे? बस मुझे जाना है, और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी मैं इनके अफेयर्स के फोटो वीडियोस कुछ नहीं दिखाना चाह रही हूँ। 8 महीने तक मैं ऐसे रही। जी मेरा शोहर, सलाम अलैकुम, जी मेरे शोहर, आप पलके झुका के रही। इसलिए आपने डिनाई किया था मेरी शादी का, बिकॉज ऑफ दैट गर्ल।
इसलिए आपने मेरी शादी का डिनाई किया था, और 5-6-10 दिन में आपने बाद में दुनिया के फैंस के मीडिया के डर के मारे बाद में आपने कबूल किया। मैं किसी की सीढ़ी नहीं बनना चाहती हूँ, तुम मुझे सीढ़ी मत बनाओ। सीढ़ी बना के आगे बढ़ के क्या हासिल कर लोगे? ईमानदारी से आपने मेरे से शादी करी, प्यार किया, मैं अभी दुनिया जो हंस रही है मुझ पर आधे से ज्यादा, हंसो मत। पहले मेरी माँ की कैंसर का पहाड़ टूटा मुझ पर, फिर पुलिस जो मुझे इंक्वायरी के लिए लेकर गई उसका पहाड़ टूटा, फिर मेरी माँ की मौत का पहाड़ टूटा, उसके बाद मेरे पीछे ही सब हो रहे गंदे अफेयर का पहाड़ टूटा। जो मैं कहती हूँ ना मेरी शादी खतरे में है, वो लड़की को वार्निंग दे रही हूँ मीडिया के सामने, मेरे आदिल के बीच में शादीशुदा पति पत्नी के बीच में आओगी, शर्म आनी चाहिए। एक औरत का घर तोड़ रही है, आदमी तो होता ही कुत्ता है। तुम जाओगे तो करेगा ही। तुम एक शादीशुदा औरत की जिंदगी खराब कर रही हो। शुक्र करो अभी तुम्हारा नाम नहीं लिया मैंने तुम्हारे वीडियो वायरल नहीं की वीडियो में, जब मैं पलके झुका के बर्दाश्त करना जानती हूँ तो आंख उठा के अपने स्वाभिमान के लिए अपने मैरिज के लिए लड़ना भी जानती हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? अभी भी वार्निंग दे रही हूँ, पर्दाफाश कर दूंगी। आदिल आपको भी वार्निंग दे रही हूँ, अभी से उस लड़की का नाता छोड़ दो। सुबह का भूला शाम को घर पे आ जाए उसे भूला नहीं कहते। आदिल तुम ये सोचोगे कि दूसरी औरतों की तरह मैं खामोश बैठ जाऊंगी, 2-4 शादियां की धमकी आप मेरे को दोगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या तोहफा दिया है आपने मुझे रमजान का? अभी मेरी माँ इंतकाल हो गया, अभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं 30 रोजे करूंगी, उमरा जाऊंगी, एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी निभाऊंगी। जुल्म बंद करो मुझ पर, उससे डरो। मानती हूँ आदमी से गलती होती है, मैं गलती माफ कर दूंगी। आदिल लौट कर मेरे घर वापस आ जाओ, तुम घर में ही हो, मैं आपकी बीवी हूँ, आप घर में ही, हम साथ में ही हैं, लेकिन तुम्हारा दिल दिमाग कहीं और है, सिर्फ शरीर घर में लेकर नहीं। आप सोच रहे हो कि मीडिया में क्यों बोल रही हूँ? आपने मुझे कहा था कि हमारे इस्लाम में ऐसा है कि बंद कमरे में बातें होनी चाहिए, बंद कमरे में। मैं जब से बिग बॉस से आई हूँ जुलझ रही हूँ, बंद कमरे में बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें अक्ल नहीं आ रही, समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी लड़की मुझे फोन करके धमकियां दे रही है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मुझे धमकी दे रही है तुम्हारी लड़की, नाम नहीं बताऊंगी। अभी वो सुधर जाए, मेरे पति की जिंदगी से निकल जाए बेहतर है, मैं वार्निंग दे रही हूँ, मेरी शादीशुदा जिंदगी है। ये एक एक आंसुओं का मेरा बदला मेरा अल्लाह खुदा परमेश्वर लेगा। अभी भी मेरी माँ को मैं दफना के आई हूँ। आदिल आदिल सुधर जाओ। उस लड़की को कहना चाहती जो बीवी का नहीं लॉयल, वो किसी का नहीं। कहते हो ना कि मीडिया में आती हूँ क्यों, बात घर में रखो, घर में रहकर ना मुझे भी फ्रिज में नहीं जाना है, अपने शादीशुदा हक के लिए मुझे लड़ना है और मैं लड़ूंगी। सब मालूम है उसे, सब जानते, आधे से ज्यादा नहीं जानते सच्चाई। बोली थी जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी मैं, अब वो लड़की मेरे सर पे मुतना चाहती है, मुझे आदिल का उसको साथ है, इसलिए वो लड़की मुझे डंके की चोट पर कहती है कि वो तुम्हें छोड़ेगा और 100% मुझसे शादी करेगा। इसलिए तुमने 8 महीने की शादी मेरी छुपाई आदिल, तुम्हारी आंटी ने, तुम्हारे सब लोगों ने बोला बेटा एक चांस दो, 10 चांस दिए मैंने आदिल को,